हेलो दोस्तों नमस्कार तो दोस्तों आज के हम इस वीडियो में देखेंगे जो हमारा आईटीआई टी फर्स्ट ईयर के लिए फाउंडेशन क्लास चल रहा है तो उसका दोस्तों बेसिक इलेक्ट्रिसिटी का थ्योरी कंप्लीट कर दिए हैं तो थ्योरी के अकॉर्डिंग जो इम्पोर्टेंट एम क्वेश्चन बन सकते हैं उसको इस वीडियो में देखने वाले हैं ठीक है और साथ ही एक नया चैप्टर इसी वीडियो में पढ़ने वाले हैं जो कंडक्टर इंसुलेटर एंड सेमी होने वाला है तो वीडियो को लास्ट तक आप बने रहिएगा बहुत इंपॉर्टेंट यह टॉपिक होने वाला है ओके okay, दोस्तों और हमारा प्ले बना हुआ है फर्स्ट ईयर एग्ज़ाम थ्योरी एग्जाम का तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाके सभी वीडियो जरूर देख लीजिएगा ठीक है देखिए क्वेश्चन पहला इसमें है इलेक्ट्रॉन के प्रवाह को डॉट 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 कहा जाता है तो थ्योरी में दोस्तों कंप्लीट कराए हैं इलेक्ट्रॉन के प्रवाह की दर को क्या कहते हैं वैधुत धारा कहते हैं तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा दोस्तों जो प्रतिरोध होता है यह धारा का विरोध करता है जानते रहिएगा इसको कैपिटल आर से डिनोट करते हैं और इसका मात्रक जो होता है ओम होता है ओके और दोस्तों जो आवृत्ति होती है तो जो आवर्तकाल होता है उसका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है यानी टी बराबर वन बाई एफ होता है ठीक है तो आवृत्ति जो होती है आवृत्ति का मात्रक पूछता है तो याद रखेंगे आवृत्ति का मात्रक क्या होता है हट्स होता है या ची आर जे एस हर्ड्स होता है ओके या हर्ट्स नहीं देकर साइकिल पर सेकंड भी दे सकता है ठीक है तो दोनों आप इस फ्रीक्वेंसी का यूनिट याद रखेंगे वहीं दोस्तों वोल्टेज की बात करें तो वोल्टेज का मात्रक वोल्ट होता है ठीक है जो वैद्युत वाहक बल होता है विभवांतर होता है ये सब का मात्रक वोल्ट होता है यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा है इलेक्ट्रॉन के प्रवाह की दर को तो वैद्युत धारा कहते हैं ऑप्शन डी सही हो जाएगा इसका प्रश्न अगला दूसरा है परिपथ में इलेक्ट्रॉन को ढकेलने वाले दाब को डाट 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 कहा जाता है तो दोस्तों अच्छे से थ्योरी में कराए हैं जो इलेक्ट्रॉन को ढकेलने वाले दाब होते हैं वह वैद्युत वाहक बल होता है याद रखेंगे वैद्युत वाहक बल को इंग्लिश में इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बोलते हैं ठीक है जो बेसिकली क्या करता है इलेक्ट्रॉन के प्रवाह की दर को और तेज करता है ढकेलने का काम करता है ठीक है दोस्तों याद रखेंगे तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा ठीक है जो टेम्परेचर होता है दोस्तों तो टेम्परेचर को केल्विन से हम मेजर करते हैं और आवृत्ति का मात्रक बताए ही है हर्ट्स होता है और यहाँ प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है ओम होता है ठीक है अगला प्रश्न है एक बोल्ट डाडा डाट के बराबर होता है दोस्तों एक बोल्ट जो होता है किसके बराबर होता है पूछा है तो देखिए भी बराबर थ्योरी में पढ़ाए हैं दोस्तों भी बराबर डब्लू बटे क्यू होता है ये फार्मूला आप याद रखेंगे इस पर न्यूमेरिकल भी बनता है तो भी बोल्ट हो जाएगा डब्लू डब्लू वर्क होता है इसका मात्रक जूल होता है बटा क्यू क्यू यानी आवेश है ठीक है चार्ज होता है तो इसलिए जो भी बराबर हो जाएगा वह जूल पर गुलाम होता है जो आवेश का मात्रक होता है गुलाम हो जाता है ठीक है तो इसलिए जो एक बोल्ट एक बोल्ट बराबर जूल प्रति गुलाम हो जाएगा ऑप्शन देख लेते हैं तो इसमें ऑप्शन बी सही दिया है यानी एक बोल्ट बराबर एक जूल प्रति गुलाम हो जाएगा ठीक है राइट आंसर ऑप्शन इसमें बी सही हो जाएगा याद रखेंगे दोस्तों भी बराबर डब्लू बट्टे क्यू ये फार्मूला याद रखेंगे डब्लू वर्क है वर्क का मात्रक जूल होता है और क्यू आवेश है इसका मात्रक गुलाम होता है तो जूल प्रति गुलाम हो जाएगा ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा अगला प्रश्न है विद्युत ऊर्जा कहाँ से प्राप्त की जा सकती है दोस्तों थ्योरी में कराए हैं जो वैद्युत ऊर्जा होती है यांत्रिक ऊर्जा से भी प्राप्त की जा सकती है रासायनिक ऊर्जा से भी प्राप्त की जा सकती है और प्रकाश ऊर्जा से भी प्राप्त की जा सकती है ठीक है तो इसलिए ऑप्शन डी सही हो जाएगा इन सभी यानी ए सभी से वैद्युत ऊर्जा प्राप्त की जा सकती है ठीक है याद रखेंगे और इसमें एक और ऑप्शन आता है चुंबकी से भी तो चुंबकी चुंबकत्व से भी वैध ऊर्जा प्राप्त की जाती है अगला प्रश्न है धारा प्रवाह हेतु तो परिपथ का सदैव होना चाहिए तो दोस्तों जब धारा प्रवाह होता है यानी फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन का होता है तो हमेशा क्लोज सर्किट में होता है अच्छे से प्रश्न कराए हैं थ्योरी कराए हैं जो क्लोज सर्किट होता है यानी धारा का प्रवाह सदैव बंद परिपथ में होता है ठीक है अगर यहाँ से कोई परिपथ है तो अगर यह ओपन होगा तो इसमें कोई धारा का प्रवाह नहीं होगा और यह जो है क्लोज होगा तो इसमें धारा का प्रवाह होता है इसलिए दोस्तों धारा का प्रवाह हमेशा बंद परिपथ में होता है और धारा का प्रवाह हमेशा लो रेजिस्टेंस में ज़्यादा होता है ठीक है क्योंकि लो रेजिस्टेंस रहेगा तो करंट ज्यादा फ्लो करेगा याद रखेंगे तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ये सही हो जाएगा अगला प्रश्न है विद्युत बल रेखाएं सदैव डॉट 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 तो दोस्तों विद्युत बल रेखाएं थ्योरी में अच्छे से कराए हुए हैं हमेशा क्या करती है धन आवेश से होकर ऋण आवेश की ओर गमन करती है समाप्त होती है पहला याद रखेंगे और वैद्युत बल रेखाएं काल्पनिक बल रेखाएं होती हैं ठीक है और कभी एक दूसरे को नहीं काटती है जैसे इस तरह जाएगी तो कभी एक दूसरे के यह नहीं काटती है तो उपयुक्त तीनों को आप याद रखेंगे जो वैद्युत बल रेखाएं होती हैं धनावेश से चलकर ऋण आवेश समाप्त होती है यह काल्पनिक रेखाएं होती है कभी एक दूसरे को नहीं काटती है तो उपयुक्त तीनों विकल्प सही है ऑप्शन इसका डी बिल्कुल सत्य हो जाएगा प्रश्न अगला है विद्युत वाहक बल किस प्रकार की राशि है तो दोस्तों विद्युत वाहक बल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो होता है वह अदिश राशि है इसको आप याद रखेंगे अदिश राशि और सदिश राशि होता है अदिश राशि जिसमें परिणाम के साथ साथ दिशा परिवर्तित नहीं होता है केवल रिजल्टेंट होता है और सदिश राशि में रिजल्टेंट और डायरेक्शन दोनों होता है ठीक है तो इसका एग्जाम्पल यही ई एम एफ ले लेते हैं विद्युत धारा ले लेते हैं ठीक है और सदिश का होता है वेग होता है विस्थापन होता है याद रखेंगे ठीक है दोस्तों तो ये रहा बेसिक इलेक्ट्रिसिटी से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं उसका हम डिस्कशन किए आगे दोस्तों हम देख लेते हैं चैप्टर जो चालक अर्ध चालक और कुचालक तो ये चैप्टर भी बहुत इम्पोर्टेंट है बेसिक इलेक्ट्रिकल के अंतर्गत ही आता है ओके तो दोस्तों इस चैप्टर के अंतर्गत हम पढ़ेंगे चालक अर्धचालक और कुचालक के बारे में तीनों के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे ओके दोस्तों और इस हम जो वीडियो में लेक्चर में देखने वाले हैं कंडक्टर के बारे में ठीक है तो कंडक्टर का क्वांटिटी मतलब क्वालिटी इसके बारे में जानेंगे सभी कंडक्टर के बारे में तो दोस्तों चैनल से नए नए जुड़े हैं अभी सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा ठीक है और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा इसे हम शेयर करिए वीडियो को और दोस्तों पसंद आता है तो लाइक जरूर करिएगा ठीक है चलिए देखिए चालक होता क्या है कंडक्टर वाट इज ए कंडक्टर तो जिन पदार्थों में मुक्त इलेक्ट्रॉन द्वारा विद्युत धारा का प्रवाह हो वे चालक कहलाते हैं यानी जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन द्वारा विद्युत धारा का प्रवाह हो उसे हम चालक कहते हैं याद रखेंगे डिसमिशन चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या या तो एक होगा या तो दो होगा या या तीन होगा दोस्तों चालक में जो बाहरी इलेक्ट्रॉन यानी मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं उसकी संख्या या तो एक होगा या तो दो या तीन होगा आगे चालक की चालकता यानी कंडक्टिविटी चालक की चालकता उनमें उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉन अर्थात परमाणु के वाहतम कक्षा में उपस्थित कम आकर्षण बल से बंधे इलेक्ट्रॉन पर निर्भर करता है ठीक है अधिकांश धातु में अच्छी चालक होती है जो दोस्तों जो मेटल होता है अधिकांश मेटल जो होता है वह विद्युत का अच्छा चालक होता है याद रखेंगे ओके आगे है चालकों का गुण यानी प्रॉपर्टीज ऑफ कंडक्टर चालकों के क्या क्या गुण होने चाहिए तो इसमें पहला है चालक सस्ता एवं आसानी से उपलब्ध होना चाहिए बिल्कुल सही बात है दोस्तों जो कंडक्टर है वह सस्ता होना चाहिए और हर जगह आसानी से अवेलेबल होना चाहिए दूसरा है चालक यांत्रिक रूप से मजबूत होना चाहिए जिससे तार टूटे नहीं एवं सभी जगह आसानी से प्रयोग किया जा सके दोस्तों जो चालक होता है वह यांत्रिक रूप से मजबूत होना चाहिए जिससे एक दर्जन से दूसरे जगह हम विद्युत धारा को विद्युत को पहुंचाते हैं तो वह तार टूटे नहीं और आसानी से उसे हम प्रयोग कर सकें आगे है चालक डक्टाइल यानी होना चाहिए लचीला होना चाहिए जिससे कि तारों को पतला बनाया जा सके और उसे मशीन की वाइंडिंग में प्रयोग किया जा सके आगे है चालक वर्धनीय, मेलिएबल होना चाहिए दोस्तों जिससे आवश्यकता अनुसार इससे चादरें और पत्तियाँ बनाई जा सके यानी यानि वर्धनी यह या सह धातु होना चाहिए यानी उसे पतला चादर भी उसे बना सकते हैं ऐसा होना चाहिए ठीक है आगे है चालक कम विशिष्ट प्रतिरोध लो रजिस्टिविटी का होना चाहिए बनाए जाने के लिए जिससे लाइन हानियाँ कम हो दोस्तों अगर रो का मान कम होगा तो आपका लाइन चालक की हानियाँ भी कम होगा ठीक है आगे है चालक वातावरण के प्रभाव से बिल्कुल मुक्त होना चाहिए जिससे चालक पर गर्मी सर्दी वर्षा आदि वातावरणीय प्रभाव कम से कम हो दोस्तों जो चालक होना चाहिए वह आ, जो वातावरण जो एटमॉस्फेयर होता है उसके प्रभाव से बिल्कुल फ्री होना चाहिए क्योंकि आ, हमारे देश में जानते ही हैं गर्मी भी होता है बरसात भी होता है और ठंडी भी होता है तो हर सीज़न में वह समान होना चाहिए चेंज नहीं होना चाहिए ओके आगे चालक ऐसा होना चाहिए जो शोल्डरिंग करने में उपयुक्त हो तथा जिससे आसानी से शोल्डर लगाया जा सके तो दोस्तों चालक अच्छा होना चाहिए जिसमें शोल्डर आसानी से लग सके आगे है चालकों के प्रकार एवं उनका उपयोग यानी टाइप्स ऑफ यूजेज ऑफ कंडक्टर तो चालकों की बात करें तो सबसे सरोपरि यानी सबसे अच्छा चालक जो होता है चांदी याद रखेंगे जो सिल्वर होता है दोस्तों सबसे अच्छा धातु होता है ठीक है चालक होता है तो यह सफ़ेद चमकीले रंग की तन्य आघातवर्ध्य एवं कम विशिष्ट प्रतिरोध वाली धातु होती है तो दोस्तों जो चांदी होती है वह सफेद रंग की चमकीली रंग की तन्य लचकदार होती है आघात वर्ण यानी पतला किया जा सकता है चांदी को एवं कम विशिष्ट इसका रजिस्टिविटी होता है लो होता है ठीक है प्रतिरोध वाली धातु होती है चांदी विद्युत का सबसे अच्छा चालक होता है बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है चालक जो है यानी चांदी विद्युत का सबसे अच्छा चालक होता है इसका दोस्तों उपयोग रिले में करते हैं कॉन्टेक्टर में करते हैं सर्किट ब्रेकर में स्टार्टर में सुग्राही मापन में यंत्रों में किया जाता है ठीक है दूसरा है तांबा तो चांदी के बाद सबसे अच्छा चालक तांबा होता है तो यह मैटैली लाल रंग की तन्या आघातवर्ध एवं कम विशिष्ट प्रतिरोध वाली धातु होती है तो दोस्तों मैटैली लाल रंग की यह धातु होती है चांदी के बाद तांबा विद्युत का सबसे अच्छा चालक होता है याद रखेंगे यह या चांदी की अपेक्षा कम मूल्यवान एवं वातावरण परिवर्तन को सह सकता है दोस्तों इसका उपयोग वैद्युत तार में केबल में अर्थिंग प्लेट में बस बार में वाइंडिंग एवं विद्युत सहायक सामग्री में उपयोग किया जाता है ठीक है तीसरे नंबर पे गोल्ड आता है तो यह पीले रंग की तन्य आघातवर्ध अत्यधिक मूल्यवान धातु है जो इसकी कीमत इतना ज़्यादा होने कारण इसका विद्युत कार्यों में नगढ़ प्रयोग होता है समझ रहे हैं थोड़ा सा भी कहीं पॉइंट से जगह भी कार्य करेंगे तो बीस से तीस हज़ार का कार्य हो जाएगा इसलिए इसका मूल्य बहुत ज़्यादा होने कारण इसका विद्युत कार्यों में नगढ़ प्रयोग होता है बिल्कुल नहीं होता है ठीक है चौथा है सबसे ज़्यादा यूज होने वाला धातु एलमुनियम जो कापर के बाद नीचे तीसरे नंबर पर आता है एलमुनियम तो दोस्तों यह सफ़ेद रंग की तन्य आघातवर्ध हल्की जंगरोधी जंगरोधी मतलब जिसमें जंग न लगे एवं कम विशिष्ट प्रतिरोध वाली धातु होती है भारत में बहुतायत से उपलब्ध होने के कारण तांबे के स्थान पर एल्यूमिनियम प्रयोग किया जाता है परंतु तांबे जितनी सुदृढ़ न होने के कारण बहुत से वैधुत कार्यों के लिए तांबा ही प्रयोग किया जाता है दोस्तों तो बाइंडिंग वगैरह तांबा का बनाया जाता है क्योंकि उसका जो मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होता है तांबा का ठीक है इसलिए बाइंडिंग ज़्यादा दिन तक चलती है उपयोग की बात करें एल्यूमिनियम का तो पारेषण पारेण माने ट्रांसमिशन लाइन में ठीक है ट्रांसमिशन लाइन में एवं वितरण बिस्तर मतलब डिस्ट्रीब्यूशन लाइन में यानी ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन लाइन में बस बार इत्यादि में इसका प्रयोग किया जाता है ओके दोस्तों आगे है ए ए सी यानी आल एल्युमिनियम कंडक्टर तो एक ही सेक्शन में सात तारों को स्टैंडर्ड करके बनाए गए तार को ए सी तार कहते हैं लाइनों में इसका प्रयोग कम दूरी 300 मीटर के लिए किया जाता है इसमें यांत्रिक सामर्थ कम होता है दोस्तों बस बार में सबसे अधिक एल्युमिनियम चालक का प्रयोग किया जाता है याद रखेंगे बस बार में एग्जाम में आपसे पूछता है किसका ज़्यादा प्रयोग करते हैं तो एल्युमिनियम का प्रयोग करते हैं आगे जो धातु है पीतल यानी ब्रास ये सब मिक्स धातु है तो यह तांबा छाछठ परसेंट जिंक चौंतीस परसेंट से बनी तन्य आघात वर्ग जंगरोधी रंगरोधी एवं सुदीर्ण मजबूत मिश्र धातु होती है उपयोग वैद्युत उपकरण में टर्मिनल बनाने के लिए पेच के लिए खोल के लिए आदि के लिए प्रयोग किया था किसका पीतल का ठीक है दोस्तों जो टर्मिनल होता है कॉन्टेक्ट होता है जैसे वे स्विच और सॉकेट नहीं होता है उसमें जो इसका टर्मिनल बनाया जाता है वह पीतल का ही बनाया जाता है ठीक है जो जंग रोधी होता है इसमें जंग बिल्कुल नहीं लगता है आ गया दोस्तों नाइक्रोम तो नाइक्रोम बहुत इम्पॉर्टेंट ये जो मिश्र धातु होती है जिसका प्रायः उपयोग हीटर के क्वा, जो क्वायल होते हैं उसको बनाने में किया जाता है तो यह निकिल अस्सी परसेंट और बीस परसेंट क्रोमियम से बनी उच्च विशिष्ट एवं उच्च गलनांक वाली मिश्र धातु है इसका दोस्तों उपयोग विद्युत स्त्री केतली टोस्टर हीटर गीजर रूम हीटर इमर्शन राड आदि में हीटिंग एलिमेंट बनाने में किया जाता है जितने भी हीटिंग एलिमेंट है उसको नाइक्रोम के तार से ही बनाया जाता है ठीक है याद रखेंगे आगे है टंगस्टन तो यह गहरे स्लेटी रंग की उच्च गलनांक वाली तन्य कठोर धातु होती है इसका उपयोग दोस्तों लैंप बनाने में प्रदीप्ति ट्यूब बनाने में सोडियम वेपल लैंप में मरकरी वेप्पल लैंप में इसका प्रयोग फिलामेंट के रूप में किया जाता है ठीक है याद रखेंगे आगे है सीसा तो लेड का प्रयोग यह स्लेटी रंग की नर्म भारी एवं जंग रोधी धातु होती है इसका दोस्तों उपयोग भूमिगत केबल पर नमी को रोकने के लिए आवरण जो उसका खोल होता है बनाने में किया जाता है सीसा संचायक सेलों में प्लेट बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है इसके अतिरिक्त फ्यूज तार तथा शोल्डर बनाने में इसका उपयोग किया जाता है याद रखेंगे मिस्र धातु में सीसा की मात्रा जितनी अधिक होगी मिश्र धातु उतना ही कठोर होता है ठीक है याद रखेंगे आगे है टीन तो टीन क्या होता है यह सफ़ेद रंग की अत्यधिक नर्म एवं जंगरोधी धातु होती है दोस्तों इसका उपयोग सीसे के साथ मिश्र धातु के रूप में फ्यूज तार शोल्डर आदि बनाने में किया जाता है जो दोस्तों फ्यूज तार होते हैं फ्यूज वायर होता है वो में लेड और टिन का मिश्रण होता है ठीक है मैगनीन तो मैगनीन में चौरासी परसेंट तांबा बारह परसेंट मैग्नी चार परसेंट निखिल से बनाई जाती है इसका उपयोग प्रतिरोध के रूप में किया जाता है इसका तापमान बढ़ाने पर इसका प्रतिरोध पर प्रभाव नगण्य होता है क्योंकि मैगनीन का तापगुरा जीरो पॉइंट जीरो 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 टू फाइव प्रति डिग्री सी होता है याद रखेंगे आगे है दोस्तों यूरेका तो यूरेका में चालीस परसेंट निकिल साठ परसेंट तांबा से बनी तन्य एवं उच्च विशिष्ट प्रतिरोध वाली धातु होती है दोस्तों यूरेका का उपयोग कम उसमा पैदा करने वाले प्रतिरोधक रेगुलेटर जो फैन रेगुलेटर होता है उसमें भी यूरेका का प्रयोग किया जाता है ठीक है आगे है पारा मरकरी इसे बोलते हैं इंग्लिश में पारा हिंदी में बोलते हैं तो यह समान तापक्रम पर द्रवावस्था में रहने वाली धातु है दोस्तों यह एकमात्र धातु ऐसी होती है जो द्रवावस्था में रहती है ठीक है इसका उपयोग थर्मामीटर में मरकरी वेपर लैम्प में किया जाता है आगे है कार्बन तो कार्बन यह अधात्विक पदार्थ है याद रखेंगे कार्बन जो होता है अधात्विक यानी नॉन मेटोलाइट पदार्थ होता है इसका विशिष्ट प्रतिरोध मान बहुत अधिक होता है कार्बन के लिए ताप गुणांग मान ऋणात्मक होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों सभी मेटल धातुओं में ताप गुणांक धनात्मक होता है लेकिन तांबा में ताप गुणांक ऋणात्मक होता है इसको आप याद रखेंगे आगे है प्लेटिनम तो यह एक कठोर मूल्यवान धातु है इसका उपयोग स्टार्टर इस के संयोजन बिंदु बनाने में किया जाता है ताकि मजबूती के साथ चालकता बनी रहे प्लैटिनम का उपयोग किया जाता है ठीक है रेलवे ट्रैक्शन लाइन में दोस्तों पेंटोग्राफ बनाने में भी प्लेटिनम का ही प्रयोग किया जाता है आगे है लोहा आयरन तो यह सुदृढ़ यानी त्रीण मजबूत सस्ती सुलभ धन्य आघातवर्ध धातु होती है इसका विशिष्ट प्रतिरोध तांबे की तुलना में आठ गुना अधिक होता है यानी दोस्तों तांबा का विशिष्ट प्रतिरोध कम होता है लेकिन लोहा का ज्यादा होता है आगे है जिंक जस्ता तो यह गहरे स्लेटी रंग के उच्च गलनांक वाली तन्य कठोर धातु होती है जंग रोधी परत चढ़ने पर शुष्क सेलों के खोल बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है ठीक है दोस्तों नोट में याद रखेंगे लोहे की चतरों पर जिंक की परत चढ़ाई जाती है इस प्रक्रिया को गैल्वनीकरण यानी गैल्वेनाइजेशन कहते हैं एवं ऐसी चदरो गैलवेनाइजेशन चदरे कहलाती है आगे हैं दोस्तों निकल तो निकल यह सफ़ेद रंग वाली एवं जंगरोधी धातु होती है इसका उपयोग निकल आयरन संचायक सेलों की प्लेट बनाने तथा अन्य धात्विक वस्तुओं पर जंगरोधी परत चढ़ाने में किया जाता है तो दोस्तों ये रहा सभी प्रकार के चालक जितने भी चालक हैं चालक के गुण हैं उसका हम इस वीडियो में डिस्क, आ, डिस्क्राइब किए वर्ण किए आगे दोस्तों लेकर आएंगे इंसुलेटर के बारे में देन उसके बाद सेमीकंडक्टर के बारे में आगे की क्लास में चर्चा करेंगे देखेंगे ओके तो आज के लिए बस इतना ही मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए पढ़ते रहिए नमस्कार